हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि BDS के थ्रू हम दांत का डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कुछ लोग तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं, तो इससे फायदा होगा कि आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए, चाहे मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पहले सबसे पहले YouTube पर जाएंगे और YouTube पर जाकर सर्च करेंगे हमारे इस चैनल को और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे चैनल खुल जाएगा। ये देखिए, इसका हेलोग्राम है और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस चैनल पर। ये देखिए, आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखिए सारे वीडियोज़ हमारे चले आएंगे। और पूरा वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, देखिए सारे वीडियोस चले आएंगे। अब आप कोई भी वीडियो जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें, रेलवे से रिलेटेड हो, UPSC से, किसी भी। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा लोड मोर का ऑप्शन है, तो इस लोड मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो और दूसरे वीडियो चले आएंगे। ये देखिए, हेल्थ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो आपका यहाँ आसानी से मिल जाए, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कैट से MBA का हो, कोई भी। फिर लोड मोर पर क्लिक कर देंगे तो फिर ढेर सारे दूसरे वीडियोस चले आएंगे। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, ढेर सारे वीडियो का कलेक्शन मिल जाएगा। देखिए, जैसे ये मेमोरी से रिलेटेड है तो यहाँ पर जाएंगे तो करीब 9 वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा है अपनी मतलब मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, और याद करने के झंझट से तो बिल्कुल मुक्ति दिला देगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ चैनल के बारे में जानकारी कि आप कैसे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए BDS के बारे में जानते हैं। तो BDS जो होता है, यानी बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर BDS में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा नीट, AIPMT और COMD के जैसे एग्जामिनेशन को, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। वैसे तो आजकल मेडिकल में एंट्रेंस के, मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए नीट के स्कोर को ही ज़्यादा प्रियोरिटी दी जा रही है। बैचलर ऑफ द डेंटल साइंस यानी BDS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ 12वीं में आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए। ये जनरल और OBC के लिए क्राइटेरिया है, यानी OBC मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। वहीं आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 12वीं में केवल 40% मिनिमम मार्क्स रहे तब पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम मार्क्स 40% रहे और SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में जो आपका जो मोड है वो होना चाहिए PCB, जैसा कि सभी जानते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट है होना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो ग्रुप होना चाहिए 12वीं में। इस कोर्स की जो अवधि की बात करें तो ये 3 से 5 साल का होता है, जो कि अलग अलग कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। यह कोर्स आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट किसी डेंटल कॉलेज में जॉब भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि BDS की फीस कितनी होती है। प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादातर तो देखा गया, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कीजिए, चाहे BAMS या BUMS कुछ भी करिए, चाहे BDS करिए, थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो प्राइवेट कॉलेज में BDS की जो फीस है वो 2 लाख से 10 लाख तक होती है, यानी इसका जो रेंज है 2 से 10 लाख होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जिस कॉलेज से करना चाहते हैं वहाँ का आप साइट पर जाकर उसका ब्यौरा ले सकते हैं, या खुद कॉलेज जाकर पता कर सकते हैं। BDS करने का फायदा यह है कि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, और जिसकी मदद से आप चाहें तो खुद का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप निम्न पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं, जैसे आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट बन सकते हैं, या ओरल पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। BDS की सैलरी की बात करें तो अगर आप सफलतापूर्वक BDS कोर्स कर लेते हैं तो आप ऊपर मतलब आप कम से कम 2.5 लाख से 5 लाख बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी डिपेंड कर सकते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है और आपके क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरह से सर्विस देते हैं और लोगों को
लोगों की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वालिटी लेवल है वो सही है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन आता है कि बीडीएस कोर्स करें कहाँ से। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो करा रहे हैं, लेकिन जो टॉप रेटेड कॉलेज है उनका मैं वर्णन कुछ कर रहा हूँ। तो एक है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और एक है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, और अगला नंबर है कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी का। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से भी आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ से भी आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं, और मणिपाल यूनिवर्सिटी यहाँ से भी आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं, गोवा यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, सुमन दीप विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, और अमृता सिंह ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ से भी जाकर आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं। तो बीडीएस यानी डेंटिस्ट बनने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा है बड़ा ऑप्शन है, इंटेंडेंट है, और आपके करियर का यही रुझान है कि आप बीडीएस बनना चाहते हैं तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि ये नॉलेज अदर पार्टी यानी आपके फ्रेंड्स और दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाया करेगा, जिससे कि उनके भी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाया करेगा और वो अपने करियर को में बूम ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।